तो गाइस निकल रहे हैं आज हम लोग मरवाड़ी पे। सबसे पहले जाएंगे कब्रिस्तान। तो गाइस कब्रिस्तान पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच रहे हैं। और जहां पर हमारे अब्बा जान की कब्र है वहां पर बस पहुंचने वाले हैं। यहां से इंशाल्लाह जो है यहां से फातिहा पढ़ने के बाद सब पूरा जो है उसके बाद हम लोग निकलेंगे जो है मरवाड़ी के मज़ार पर। आइए आप लोग को ज़्यारत कराते हैं हज़रत पंजाबी साहब बाबा की, जो यहाँ पे यहाँ कब्रिस्तान के पास में ही है। ये है हज़रत पंजाबी साहब बाबा की मज़ार। और यहाँ से मुझे बहुत फैज़ मिला है। मैं जब छोटा सा था, बहुत ज़्यादा छोटा था, मतलब पीछे से बहुत ज़्यादा छोटा सा, तो मैंने ये सुना था कि यहाँ पे ही आके मुझे यहाँ से फैज़ मिला है हज़रत पंजाबी साहब बाबा के बारगाह से। अल्लाह बाबा साहब ने अल्लाह ताला से जो भी मांगा होगा मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा मांगा, जो भी मांगा। आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तो हज़रत पंजाबी साहब बाबा की जो है नज़र करम खास कर गई थी। मैंने ऐसा सोचा, यहाँ मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो गई थी, मतलब घर पे नहीं ऐसा है कि जो है हम लोग कुछ मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी शायद, इसलिए मेरे अब्बा जान ने जो है हमारे भाभी को जो है उनको हम बेच दिया था, मुझे 5 रुपए में बेच दिया था। तो उन्होंने यहाँ पे लाके जब जो है रखा तब जो है मुझे यहाँ से शिफा मिला, जो भी तबीयत ख़राब हो गई थी या जो भी हुआ था। तो ऐसे ही इस यहाँ पे ये दरगाह पे आके मुझे कामयाबी मिली और मैं अभी तक आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और सरकार की नज़र से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े में हूँ। और जो है यहाँ पे ये हम लोग की पूरी कब्रिस्तानी है, हम लोग मतलब जिसे यहाँ पे मेरे ननिहाल के और दादियाल के दोनों की कब्रिस्तान इसी जगह पर है, इसी पंजाबी साहब बाबा के आस्थाने से ही मतलब सबको जो है फैज़ भी मिलता है और यहाँ पे जो है कब्रिस्तान में मज़ारात भी है। तो इसलिए जो है और बस हज़रत जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे तब हज़रत पंजाबी साहब बाबा को सलाम करता हुआ जो है माफ़ कर दिया और हज़रत से मिलते हुए, हज़रत के पास भी बहुत दिन बाद आया था मैं, तो हज़रत से मुलाकात करते हुए तो बस अब यहाँ से रवानगी। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे मरवाड़ी की मज़ार पर होते हुए। अभी तक तो अब देखते हैं यहाँ से कैसे जाते हैं, यहाँ से कैसे जा पाएंगे। चलिए सोनू भाई मरवाड़ेल की मज़ार पर। तो गाइस मैंने मरवाड़ेल जाने के लिए एक ऑटो कर ली है। अब इधर से मुझे जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, बजटियाँ से उसके बाद मैं दूसरी ऑटो करनी पड़ेगी। तो कितना समय लगता है देखेंगे। और गाइस जो है हम इतना टाइम लगा रहे हैं जाने के लिए यार, मैंने सफल में आ जाए बस है मेरे लिए। और चाचा बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं। और गाइस मरवाड़ी जा रहे हैं आज, अभी वहाँ का जाकर मंजर दिखाते हैं आपको, क्या अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो कुछ रास्ते दिखाते हैं आपको यहाँ से जाने के, उधर जाएगी। चलिए भैया छोड़ दीजिए थोड़ा मरवाड़ी में। तो गाइस बहुत ही जल्दी मुझे ऑटो मिल गई, पहुँच कर जल्दी ही मिल गई।
तो गाइस अबे बैठो, चलते हैं देखते हैं। तो गाइस चल पड़ी है गाड़ी, मैंने सोचा कि बहुत टाइम लगाएंगे मगर 5 मिनट में ही चल दी गाड़ी, तो अच्छा है गाइस जो है जल्दी चला दी इन्होंने। और यार काफ़ी दूर छोड़ दिया था, मेरे पाँव में दर्द होने लगा यार, तो देखते हैं कि जो है कितना टाइम लगेगा हम लोग को मरवाड़ी पे जाते वक्त। थोड़ा भाई यहाँ पे रास्ता देखते हैं, यहाँ का रास्ता कैसा है करके। यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, किस लिए लगा है मालूम नहीं मुझे, वहाँ पे सिग्नल भी दिख रहा था, शायद सिग्नल की वजह से ही दिख रहा है। मैंने मरवाड़ी की मज़ार पर एंट्री कर दी है और यहाँ पे दो दो दरगाह है, तो आप लोगों इंशाल्लाह जो है हम ज़ियारत मज़ार कराएंगे अब थोड़ी देर में। तो हज़रत नजरीन गाइस, दादा पीर साहब की बारगाह में हाजिरी हो चुकी है और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे हज़रत साहब तैयब सवली की बारगाह में। तो मैं सोच रहा था कि एक बार पूरी तरीके से सही तरीके से मैं एक बार हज़रत दादा पीर साहब की मज़ारात का ज़ियारत आप लोग को करा सकूं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है करीब से वीडियो कराऊं। और आराम से भाई, तो दादा पीर की बारगाह से हाजिरी हुई और इजाज़त लेते हुए जो है हम लोग चलेंगे हजरत साहब तैयब साहब वही की बारगाह में चलेंगे। और गाइस काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, लोग जो है कुछ ज़्यादा ही क्या, मुझे हिसाब से थर्सडे है, जुमरात का दिन जो रहता है सारे बनारस में यहाँ पे थर्सडे यानी जुमरात वाले दिन थर्सडे को ज़्यादा से ज़्यादा माजरात पर आप लोगों को भीड़ मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं सभी मज़ारात पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह नहीं, जो मशहूर है जो बाबा साहब जिसे जहाँ भी बुला लें तो बाबा पर है, बाबा